काजू बादाम और ड्राई कोकोनट पाउडर, और इसे दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे अभी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क हम जैसे आटा गूंथते हैं वैसे डालते जाएंगे, और एक में हम ऑरेंज कलर डालेंगे एक पोर्शन में, और एक पोर्शन में हम डालेंगे रेड कलर। पिंच ऑफ इलायची पाउडर भी डाला है। अभी हम इसका आटा गूंदेंगे। ऐसे इसका ये आटे के जैसा बना दिया। अब हम इसे लड्डू के जैसे ऐसे बांधते जाएंगे, और शेप धीरे धीरे मटकी का देते जाएंगे। इसे गोल शेप दे दिया है, और ये गोल शेप हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे, और ये जो दूसरा मिक्सचर है उसमें रेड कलर डाल के उसका हम ऊपर का जो मटकी के ऊपर का जो पोर्शन रहता है वो बनाएंगे। रेडी हो गया। अब हम ये जो है लड्डू जो बनाया है हमने, उसमें बीच में थोड़ा कैविटी कर देंगे, कैविटी बनाएंगे थोड़ा। और फिर ये जो पोर्शन है इससे इसको ऊपर ऐसे प्रेस करते जाएंगे और मटकी का शेप देते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसे ऐसे प्रेस करते जाएंगे मटकी। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी से थोड़ा डेकोरेट करेंगे साइड पे, और ऊपर मक्खन की जगह हम लोग डालेंगे मक्खन बताने के लिए ड्राई कोकोनट पाउडर। के ऊपर हम ग्रीन कलर से पूरा ऐसे गार्निश करेंगे टूटी फ्रूटी की हेल्प से। तो ये हमारी केक बनके रेडी हो गई। एक जन्माष्टमी आप ही इसे बनाइए और भगवान जी को भोग लगाइए, क्योंकि ये केक भी है, एक मिठाई भी है और एक डेकोरेटिव पीस भी है। तो आप भी बनाइए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय, सी यू सून।